यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 से सभी छात्र छात्राओं के रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। 10th 2 बजे से और 12th 4 बजे से, शाम 4 बजे आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब तक आप UPMSP पे अगर साइट को ओपन करेंगे तो अभी वो लिंक खुल नहीं रही है, वहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 बजे से लिंक ओपन होने वाली है, तो आपको इंतज़ार करना है। लिंक किस प्रकार से शो होगी, आप रिजल्ट किस प्रकार से चेक करेंगे, तो वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आना है और सर्च बार में सर्च करना है UPMSP। तो मैं यहां UPMSP को क्लिक करता हूं। आप क्लिक करते ही आपके सामने UPMSP गवर्नमेंट की साइट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ UPMSP पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एरर दिखा रहा है, कुछ देर में 2 बजे आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ एरर देखने को मिलेगा। इस कंडीशन से आपके सामने एरर आएगा, HTTP एरर 404। तो दोस्तों आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ नीचे लिखा हुआ मिलेगा उत्तर प्रदेश रिजल्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वो लिंक आएगी जिस पर आपको रिजल्ट रोल नंबर डाल करके चेक करना है। तो दोस्तों अभी ये खुल रही है, थोड़ा लोड है नेटवर्क स्लो होने की वजह से। दोस्तों इस प्रकार से ये लिंक खुलेगी और आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप 12th का चेक करना चाहते हैं तो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्जामिनेशन 2022 है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सामने लिखा हुआ है 4 PM 18 जून 4 PM। तो दोस्तों आपको 18 जून आज है और 4 PM के टाइम पे आपको क्लिक करना है। अगर आप 10th का देखना चाहते हैं तो आपको नीचे वाली लिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप क्लिक करके देखते हैं, ये लिंक ओपन नहीं होगी क्योंकि अभी ये टाइम के मुताबिक ही ओपन होगी। तो चलिए दोस्तों कई तरीके हैं, आपको और तरीका दिखाते हैं। तो आपको दूसरे तरीके जानने के लिए आपको क्लिक करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको लिखना है www.sarkaririzalt। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सरकारी रिजल्ट का पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा सरकारी रिजल्ट। एक बार एक फिर इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सरकारी रिजल्ट ओपन हो जाएगा और इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2 PM और 12th 4 PM। तो दोस्तों आपको और स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सारे यहाँ देखने को मिलेंगे, यूपी बोर्ड सर्वर 1, यूपी बोर्ड सर्वर 2 और यूपी बोर्ड सर्वर 1, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए दोस्तों और स्क्रॉल डाउन करते हैं। और स्क्रॉल डाउन करने के आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड यूपी क्लास 10th रिजल्ट, आपको यहाँ सर्वर 2 पर क्लिक करना है। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, पर यह थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो जैसे आपको सर्वर 2 पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से लिंक ओपन होगी और आपको फिर से मिलेगा सर्वर 2, फिर से आपको इस पर ही क्लिक करना है। अब आपको उसी कंडीशन से पेज देखने को मिलेगा जिस तरह आपको पहले पेज दिखाया था। आपको फिर इन्हीं पर ही जब लिंक ओपन हो जाएगी तो आपको इसी तरह से यहाँ पे ओपन करना है, क्लिक करना है और आपके सामने रोल नंबर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों थोड़ा बैक चलते हैं। तो बैक में आप जाएंगे, आपको और थोड़ा बैक करेंगे, उसके बाद आप 12th का यहाँ देख सकते हैं, हाई स्कूल का यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं, और अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आप यहाँ हिंदी में वीडियो देख सकते हैं क्लिक करके। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और रिजल्ट की वीडियो आपके सामने बहुत जल्द ही आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।